भारत इस बार 2022 से 2023 में होने वाले G20 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इससे जुड़े कई कार्यक्रम यूपी के बड़े शहरों में होंगे। इसी को लेकर मंगलवार की देर शाम सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक की। वहीं अधिकारियों से इसके लिए अभी से तैयारी करने के निर्देश भी दिए। दरअसल यह एक ऐसा मौका होगा जब ब्रांड यूपी से दुनिया का परिचय होगा। दुनिया के 20 देशों के इस शिखर सम्मेलन में यूपी भी अपना पोटेंशियल दिखा सकता है। इसके साथ ही सीएम योगी ने इसके लिए बकायदा कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत को दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक विश्व के बड़े राष्ट्रों के समूह G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह वैश्विक समारोह उत्तर प्रदेश के लिए अपार संभावनाओं से भरा होगा। यह कार्यक्रम ब्रांड यूपी को दुनिया से परिचय कराने का एक शानदार मंच भी है और हमें इस वैश्विक समारोह का लाभ लेना चाहिए। इसके साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर कई देशों में रहने वाले एकजुट होंगे। इस अवसर पर हमें प्रवासी भारतीयों को उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना से जोड़ने के प्रयास करने चाहिए। बहुत से प्रवासी भारतीयों ने इस योजना में रुचि दिखाई है। इसके साथ ही कहा कि यह योजना आम जन को विकास कार्यों में प्रत्यक्ष भागीदार बनाने का सहज माध्यम भी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए हमें विभिन्न राज्यों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।